आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चैनल को लाइक। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्थानीय भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि प्रेस वार्ता को क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में भारत देश के पूरे विश्व के सामने विश्व गुरु के रूप में खड़ा हो रहा है। इन 9 वर्षों में सूडान, यूक्रेन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली या पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, सभी ने भारत की शक्ति का समर्थन किया है। यही हमारी ताकत है। मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करते हुए जनहितैषी योजनाओं को लागू कर कई विकास के कार्य किए गए हैं। करोड़ों माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ, लाखों किसानों को किसान संपन्न निधि योजना का लाभ, लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, नल जल योजना आदि की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करी हैं। इस तरह से बड़वानी जिले में 44 सड़कें स्वीकृति की गई जिसके व्यापार, कृषि, आवागमन, पर्यटन में विकास में गति देगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे खड़गुन बड़वानी लोकसभा के संयोजक आदरणीय कल्याण अग्रवाल जी उपस्थित हैं, हमारे सहसंयोजक आदरणीय लोकेश शुक्ला, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष जोशी जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता ओम खंडेलवाल जी, हमारे पार्टी के भी और वरिष्ठगण उपस्थित हैं, मंडलों के अध्यक्ष उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देश की सरकार, जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 30 मई 2023 को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, जिस संकल्प के साथ में 2014 में देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सबका साथ और सबके विकास के आधार पर, सबका विश्वास और सबके प्रयास, इस आधार पर ये सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। पिछले 9 वर्ष में जितना काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उस पूरे हितग्राही योजनाओं को लेकर, समाज के हर वर्ग के लिए किए गए कामों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, युवाओं को के कामों को लेकर, हमारे महिलाओं के वर्ग को लेकर, हमारे व्यापारी वर्ग को लेकर, किसानों वर्ग को लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से काम किया है। और उसको लेकर 9 वर्ष पूरे होने पर हमने जो 2014 में बोला था, उस काम को धरती पर मूल रूप से काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। 9 वर्ष 30 मई 2023 को पूरे हुए हैं और इसलिए हर लोकसभा में एक महीना महा जनसंपर्क अभियान चलने वाला है और इसलिए 31 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने राजस्थान की धरती से पूरे देश भर के जिलों के बूथों पर संबोधित भी किया कि 9 वर्ष में हमने क्या काम किया है। और उसी के तहत अभी पूरे महीने भर विभिन्न कार्यक्रम खरगोन बड़ौनी लोकसभा में होना है और इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो 30 जून तक जो विभिन्न कार्यक्रम होना है उसके बारे में मुझे थोड़ा बातचीत आपसे करना थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से 7 तारीख को राजपुर और अपनी पानसमल विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन है, फिर 11 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय रमेश तेली जी आ रहे हैं, उनके द्वारा लाभार्थियों से मुलाकात होगी, प्रबुद्ध वर्गों से संगोष्ठी होगी, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। वहाँ पर हमारे जो सोशल मीडिया के काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य प्रकार के वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से सोशल मीडिया में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसको किस प्रकार से प्रचार करना चाहिए और सोशल मीडिया में क्या उसको प्रयोग होना चाहिए, और ऐसे कुछ चिन्हित परिवार, प्रबुद्ध परिवार जिनसे मुलाकात वो व्यक्तिगत करेंगे खरगोन में। उसी के बाद में सतत 12, 13, 14 से लेकर 22 तारीख तक विभिन्न प्रकार के लाभार्थी योजनाएं रहेगी, प्रबुद्ध वर्गों के सम्मेलन। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।